तो यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने विजेता टीम रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र को जीत की बधाई भी दी है। साथ ही आपको बता दें कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की गई। मंत्री ने खेल और युवाओं के हित में किए जा रहे सरकार के कामों की जानकारी भी दी है। साथ ही मंत्री ने कहा है कि सरकारी नौकरी में खेल कोटे के जरिए खिलाड़ियों की भर्ती की जा रही है। साथ ही हर जिले में ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और ग्राम स्तर पर खेल के मैदान भी चिन्हित किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दयाशंकर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मंत्री के मुताबिक यूपी में कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। तो विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। सोनभद्र पहुंचे परिवहन मंत्री और इस दौरान सम्मान ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो गलत समय पर उन्होंने यात्रा निकाली है, और ऐसे भी वो उत्तर प्रदेश में केवल यात्रा केवल एक सिंबॉलिक मात्र था, और खुद राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ करके अब केरल की राजनीति कर रहे हैं, जहाँ पर उनके नाना नानी, उनके बाबा दादी, उनके पिताजी माताजी सभी सांसद रहे, लेकिन वो यहाँ से डर करके चले गए केरल। तो कांग्रेस का यहाँ पर कोई अब अस्तित्व नहीं है, और जो उन्होंने यात्रा निकाली है तो इस देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस के हाथों में रही है, और कांग्रेस ने जो गलतियाँ की उसके लिए वो प्राचीन यात्रा निकालते तो ज़्यादा लोग उसको जो है सार्थक मानते, क्योंकि इस समय देश बहुत